नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर संतलाल पाल जी ने हमसे एक सवाल किया है कि सर हमको ज़रा एक वीडियो बना के दीजिए जिसमें आप हमें पार्किंग मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट को समझाएं। तो आपने मांगा और हमने दिया। आपके भी दिमाग में कोई सवाल हो, आपको परेशान कर रहा हो सिक्योरिटी से संबंधित, सेफ्टी से संबंधित, तो आप सभी के लिए मेरा कमेंट बॉक्स खुला है। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं और प्लस अपने क्वेश्चन डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। तो आइए जानते हैं संतलाल पाल जी के द्वारा डिमांड किया गया ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, पार्किंग मैनेजमेंट को व्हीकल कंट्रोल भी बोलते हैं। व्हीकल कंट्रोल, पार्किंग मैनेजमेंट जो ड्यूटी है सबसे आसान और सबसे टफ ड्यूटी में से। अब आसान कैसे फ्रेंड्स, अगर आप एक ही साइट पर बहुत टाइम से पार्किंग में ड्यूटी कर रहे हैं, आप प्रॉपरली पार्किंग गार्ड हैं, तो आपके लिए बड़ा आसान होगा क्योंकि आपको पता है कि कितना गाड़ियाँ टोटल आती हैं और कौन सी गाड़ी कहाँ कहाँ पार्क होती है। आप बस चेयर पर बैठे बैठे पूरे प्रीमाइसेस को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप नए हैं तो फिर आपकी तो बस पहले दिन और शुरू के कुछ दिन काफ़ी तगड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है क्योंकि आपको भागना पड़ेगा। आपको पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है आपको कैसे कौन सी गाड़ी कहाँ पार्क होगी और आपको अभी डांट भी सुनने को मिल सकती है। अब क्यों, आगे वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो जब भी अगर आप न्यू हैं किसी भी साइड पर जाएंगे काम करने के लिए, तो आप अगर इस कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कुछ जानकारियाँ अगर आप रखेंगे अपने पास, तो आपकी ड्यूटी मतलब बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और आप बहुत जल्दी चीज़ों को कवर कर लेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि आपके यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्किंग कितना है। अब देखिए क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें 7-8 फ्लोर, 9 फ्लोर, 10 फ्लोर ऐसे केवल पार्किंग के लिए रिजर्व होते हैं क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है, बेसमेंट से लेकर फ्लोर तक पार्किंग लगाया होता है। तो आपको देखना है कि आपके यहाँ बेसमेंट कितने हैं, फ्लोर कितने हैं। जैसे B1 बेसमेंट 1, B2, B3, B4 ऐसे होगा, फिर P1 P2, P3 ऐसे होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपके प्रीमाइसेस में अकॉर्डिंग टू साइज पार्किंग होगा। तो B1 में कितना पार्किंग है, B2 में कितना पार्किंग है, B3 में कितना पार्किंग है, B4 में, P1 में, P2 में, P3 में कितना पार्किंग है, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पर फ्लोर पार्किंग कितना है और प्लस पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ पार्किंग हमारे पास कितना है और उसमें कितना बाइक पार्किंग और कितना कार पार्किंग है। इसकी आपको जानकारी पहले दिन ही इकट्ठा कर लेनी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है रिजर्व पार्किंग। अब इस पर पार्किंग में बहुत सारी पार्किंग रिजर्व होंगी। अब आप कॉरपोरेट ऑफिस में देखेंगे, ठीक है, या रेजिडेंशियल में जाएंगे तो कुछ पार्किंग होती रिजर्व होती। अब रिजर्व पार्किंग का क्या मतलब है, मतलब उस पार्किंग में केवल वही पर्टिकुलर गाड़ी खड़ी होगी, उसके अलावा कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती। जिसको कहना कि मतलब वो मेरे बाप का ही है, तो मैं और केवल मेरी गाड़ी वहाँ पर खड़ी होगी और कोई वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। तो आपके लिए सबसे टफ ड्यूटी होती है रिजर्व पार्किंग को मैनेज करना, ठीक है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे फ्रेंड, देखिए जब भी रिजर्व पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं हो तो आप उसको बैरिकेडिंग कर दीजिए। सबसे पहला काम यही कर दीजिएगा। रिजर्व पार्किंग में आपके टोटल रिजर्व पार्किंग कितना है, नंबर ऑफ रिजर्व पार्किंग कितना है, उसको पहले आप जान लीजिए कि पर फ्लोर वाइज जिस भी फ्लोर पे आपकी पार्किंग ड्यूटी लगी हो आप जान लीजिए कि वहाँ पर रिजर्व पार्किंग कितना है। अगर वहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं हो तो सबसे पहले आपका काम होगा कि उन सारी पार्किंग वाली जगहों को आप बैरिकेड कर दें ताकि दूसरी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी ना हो सके। तो अगर आपने ये कर दिया तो फिर आपकी ड्यूटी सेफ हो गई। तो जैसे ही रिजर्व पार्किंग मान जब नए भी हैं तो आएगा व्यक्ति, आपको बोलेगा कि यार पार्किंग हमारी, इसको बैरिकेडिंग हटा दो, तो आपके लिए आसान हो जाएगी ड्यूटी ये करना। लेकिन अगर आपने बैरिकेड नहीं किया और किसी ने आकर वहाँ गाड़ी पार्क कर दी तो बहुत ही चिल्ला चिल्ली बन जाएंगे। जो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं ना, बहुत सेंसिटिव होते हैं और टाइम को लेकर मतलब बहुत ही चिड़चिड़ होते हैं लोग। तो आपकी वहाँ पर खटिया खड़ी और बिस्तरा गुल हो जाएगा। पहले दिन ही आपको लगेगा यार कहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ मैं, शायद आपके मन में आएगी यार मुझे ये नहीं जमेगा, मैं नहीं करूँगा ये ड्यूटी। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन आप यहाँ बैरिकेडिंग कर देंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, समझना आसान हो जाएगा। देखिए पार्किंग ड्यूटी एक दिन में आप समझ नहीं पाएंगे, इसको करते करते ही समझ लो, और कोई तरीका ही नहीं समझने का। लेकिन ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हैं तो चीज़ें आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगी और आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी क्योंकि आपको आइडिया, आपके पास टाइम, आपके पास नॉलेज है।
तो रिजर्व पार्किंग के लोग एक चीज आपको ध्यान रखना है कि रिजर्व पार्किंग में जब कोई गाड़ी नहीं खड़ी है तो बैरिकेडिंग कर देना है, और अगर आप नए हैं तो आप ध्यान दीजिए, आप एक डायरी बनाइए, आप फर्स्ट डे से ही रजिस्टर तो आपके पास रहेगा ही, एक पर्सनल डायरी भी रखिए आप, और कौन सी गाड़ी कहाँ पर खड़ी होती है विथ मॉडल नंबर और उसका नंबर प्लेट के साथ, और प्लस वो किसकी गाड़ी है उसके नाम के साथ में, ये चीज़ आप जानकारी में रखिए। पहले तो गाड़ी का ओनर कौन है, गाड़ी का मॉडल क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है, ये तीन चीज़ें आप ध्यान में रखें, और वो कौन से पार्किंग में खड़ी होती है उसका पार्किंग नंबर क्या है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, और प्लस रिजर्व पार्किंग कितनी है आपके फ्लोर पर, उसका जनरल पार्किंग कितना है। अब जनरल पार्किंग क्या होता है, अभी किसी कॉरपोरेट ऑफिस में ऐसे स्पेस होते हैं जहाँ पर कोई भी पार्क कर सकता है, अब ये जो पार्किंग होता है ये डायरेक्टर और MD वगैरह के लिए होता है, जनरल पार्किंग होती है एम्प्लॉयज़ के लिए। अब कॉरपोरेट ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, तो कार से ट्रैवल करते हैं तो उनकी भी पार्किंग की व्यवस्था की जाती है पार्किंग में, तो उनको जिस जगह पार्क करते हैं उसको बोलते हैं जनरल पार्किंग। अब ऐसे तो देखेंगे तो कोई इम्प्लॉयज होते हैं फिक्स जगह पार्क करते हैं, अपनी जगह पे पार्क करते हैं, लेकिन वो नंबर उनके नाम से अलॉट नहीं हुआ है, वहाँ पर कोई भी गाड़ी पार्क करते हैं, इसको बोलते हैं जनरल पार्किंग। यहाँ पर कोई भी आके, ये स्पेशली मेड फॉर एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय के लिए बना होता है। वैसे एम्प्लॉय फॉलो करते हैं कि यहाँ पर मैं पार्क करूँगा, वहाँ मैं पार्क करूँगा, वहाँ तू पार्क करना, ये उनका तय होता है, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है कि अगर कोई मान लो व्यक्ति नहीं आया तो जनरल पार्किंग में आप गाड़ी किसी की पार्क करवा सकते हैं, ऐसा कोई बोलना चाहते ये मेरी ही पार्किंग है, नो नो, सिर्फ रिजर्व पार्किंग होती है MD और डायरेक्टर के लिए। कुछ स्पेशल कैटेगरी के एम्प्लॉयज होते हैं जिनको कंपनी रिजर्व पार्किंग भी देती है, तो रिजर्व पार्किंग है तो फिर सेम वही वाला फार्मूला आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जनरल पार्किंग उसमें आपको टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको रिलीफ मिलता है, आपको इतना भागदौड़ करनी नहीं पड़ती है। तो जनरल पार्किंग भी आपके फ्लोर पर कितनी है आप जान लीजिए, ये बेसिकली एम्प्लॉय के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब तीसरा होता है फ्री पार्किंग। अब फ्री पार्किंग जो होता है ये इस्तेमाल करते हैं जो गेस्ट आते हैं आपके प्रीमाइसेस में, कॉर्पोरेट में जितने विजिटर आएंगे, वेंडर आएंगे गाड़ी लेके, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह गाड़ी लेके आते हैं, कार से आते हैं, तो वो क्या करते हैं फ्री पार्किंग में अपना गाड़ी पार्क करते हैं। आपको इसके लिए मेल आएगा या फिर आपको फ़ोन पर मैसेज आएगा कि ये गेस्ट आने वाले हैं, इनको पार्किंग दे दीजिएगा, ठीक है, तो आपको वो मेल के हिसाब से इंक्वायरी करके आपको उनके पार्किंग देनी है। और ये जो फ्री पार्किंग इस्तेमाल होता है विजिटर के लिए, गेस्ट के लिए, ठीक है, वेंडर के लिए, अगर वेंडर कोई आ रहा है, उसका मैनेजर वगैरह आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है उसका, तो उन सब के लिए फ्री पार्किंग इस्तेमाल की जाती है। फ्री पार्किंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, लिमिटेड होती है, तो आपको ध्यान रखना कि सभी को बिना मेल के, बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना सीजन के इंस्ट्रक्शन को किसी को भी यहाँ पे पार्किंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पहले आप पार्किंग में टोटल नंबर ऑफ पार्किंग पर फ्लोर वाइज आप डायरी में नोट कर लीजिए कि यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 75 है, यहाँ 65 है, तो ये टोटल पार्किंग के फ्लोर कितने हैं और पर फ्लोर पर कितनी पार्किंग है और टोटल पार्किंग कितनी है, इसमें कार पार्किंग कितना है और बाइक पार्किंग कितना है, ये भी अपनी डायरी में नोट बना लीजिए। रिजर्व पार्किंग कितना है इसको पर फ्लोर में आप ध्यान दीजिए, डायरी में नोट कीजिए। जनरल पार्किंग कितना है, फ्री पार्किंग कितना है, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, पार्किंग के संबंधित क्या आप हमको चीज़ ध्यान रखनी चाहिए फ्रेंड्स, अगर बाइक पार्क हो रही है, ठीक है, तो बाइक जब भी आप पार्क करवाएंगे या कभी कभी करना भी पड़े तो कभी भी बाइक को मेन स्टैंड पर पार्क कीजिए। अगर आप साइड स्टैंड पर उसको पार्क करेंगे तो वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाइड करेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी बाइक पार्किंग की जो कैपेसिटी वो 15 है, 15 है, और आपने साइड में किया तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी जो इस तरह से टर्न हो जाती है तो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाइड कर लेती है। तो जहाँ 15 गाड़ी पार्क होनी थी वहाँ आप देखेंगे 10 या 11 गाड़ी पार्क हो पाएगी। तो कभी भी बाइक पार्किंग के लिए ध्यान रखें कि बाइक पार्किंग में पार्किंग जो गाड़ी होती है वो हमेशा मेन स्टैंड पे होनी चाहिए, साइड स्टैंड पे नहीं होनी चाहिए। और कार पार्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उनकी बाउंड्रीज होती है, पार्किंग लाइंस ड्रॉ होती हैं, जो कार है उसी में पार्क होनी चाहिए। कार टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल पार्क नहीं होनी चाहिए। अभी अगर टेढ़ी मेढ़ी पार्क होती है तो बाइक वाली समस्या भी इधर आ जाएगी, मतलब जो हमारे पास जगह है उसका वेस्टेज हो जाएगा। अब गाड़ी
जो पार्क होनी थी 15 केवल 10 ही हो पाएंगे क्योंकि गाड़ी की पार्किंग सही नहीं की गई है। तो जब भी गाड़ी पार्क हो तो आप ध्यान रखें कि गाड़ी सही तरह से पार्किंग लाइन के अंडर पार्क हो ताकि जगह का वेस्टेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं। तो आपको बाइक और कार पार्किंग को लेकर ये चीज़ें ध्यान हमेशा रखनी है। अच्छा, तो जब बाइक पार्क करेंगे तो आप देखेंगे इसमें वेंडर विजिटर गेस्ट का ही बाइक आएगा, और कार पार्क करेंगे तो विजिटर गेस्ट और वेंडर कॉन्ट्रैक्टर का भी आएगा। तो ये साइड वाइज होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, उनको एक रिसिप्ट देनी होती है, ठीक है, उनकी एंट्री करके। तो एक जो रिसिप्ट होती है ड्राइवर रखता है, और एक रिसिप्ट की जो कॉपी होती है आपके पास वो पार्किंग स्लिप में आ जाती है, ठीक है। कहीं पे पार्क भी होता है तो आपको चालान वगैरह वहाँ पे बनाना पड़ता है कि 50 रुपीज़ पार्किंग है, 20 रुपीज़ पार्किंग है, तो आपको टाइमिंग का वहाँ ध्यान रखना होता है। तो ये बाइक और कार पार्किंग को लेकर आपको चीज़ें याद रखनी है। अब ट्रैफिक मैनेजमेंट को थोड़ा जान लेते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या है, तो ट्रैफिक का अगर हिंदी में शब्द बोलेंगे आप तो भीड़, और इंग्लिश में एक शब्द जानना चाहेंगे तो क्राउड। तो ये कब होता है, ये होता है फ्रेंड जब आपके प्रीमाइसिस में कभी इवेंट होता है या फिर कभी हो जाता है फेस्टिवल हो जाता है या फिर कोई एग्जीबिशन वगैरह हो जाता है, तब आपको ज़्यादा गाड़ियाँ आने वाली हैं, ट्रैफिक कम होता है। लेकिन अगर किसी प्रीमाइसिस की आपकी ये सारा डेटा आपके पास है और वहाँ पे आप अभ्यस्त हैं, आप वहाँ पर काम करने के आदि हो चुके हैं, आपको नॉलेज है और वो एरिया आपसे अनजाना नहीं है, तब ट्रैफिक कंट्रोल और मैनेजमेंट बहुत आसानी कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें कि ट्रैफिक मैनेजमेंट एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये टीम वर्क है, आप अकेले नहीं कर सकते। तो गेट वाला गार्ड प्लस पार्किंग में जो रिक्रूट है गार्ड, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आपको नॉलेज है कि टोटल नंबर ऑफ पार्किंग फ्लोर वाइज कितना है, आपको डिटेल पहले से मिल जाएगी कि इतनी गाड़ियां आएंगी, ठीक है। अगर यहां पे गाड़ियां फुल हो गई तो उसको कहां डाइवर्ट करना है, ये सारा प्लान इवेंट फेस्टिवल एग्जीबिशन होने से पहले ही एक मीटिंग में एक ब्रीफिंग में डिस्कस कर लिया जाता है। तो इससे आपको एक रफ आइडिया आ जाता है, एक अच्छा आइडिया आ जाता है कि हमको कैसे काम करना है। तो ट्रैफिक कंट्रोल और मैनेजमेंट कह लीजिए, उसको करने के लिए आपके पास ये जानकारी है। तो जैसे जैसे गाड़ियाँ आएंगी, इससे आपको गेट वाले से कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, ठीक है। तो जैसे ही पार्किंग फुल हो जाएगी, मान लीजिए B1 पार्किंग फुल हो गया, तो आपको गेट पर मैसेज देना है कि B1 फुल हो गया, ठीक है, B1 का फुल हो गया, B2 पे फुल हो गया, B3 पे फुल हो गया, B5 पे हो गया, मतलब हमारे पास जितनी भी पार्किंग थी वो ऑक्यूपाइड हो गई है, अब वो भर गई हैं। तो अब प्लानिंग जहाँ पे थी डाइवर्ट करने की, मान लीजिए MMRDA का जो पार्किंग है वहाँ पर अब देना है हमको, मतलब बिरहस म्यूनसिपालिटी का जो पार्किंग है वहाँ पर गाड़ी को डाइवर्ट करना है, तो उनको डाइवर्ट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पोलाइटनेस से बात करके कि सर यहाँ पार्किंग फुल हो चुकी है, आप वहाँ पार्क कर दीजिए। तो ये होता है ट्रैफिक कंट्रोल। और ट्रैफिक कंट्रोल फ्रेंड्स आप तभी सक्सेसफुली और आसानी से कर पाएंगे जब आपके बीच कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया होगा, समन्वय एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन वगैरह बहुत बढ़िया होगा, तभी आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट हो पाएगा। यहाँ पर बहुत एक चैलेंजिंग बात आती जाती है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं बड़े होते हैं, अच्छी खासी सोसाइटी से बिलोंग करते, तो आपको समझते नहीं है, तो ये शायद आपसे थोड़ी सी असभ्य भाषा में बात कर दें, लेकिन आपको वहाँ पर अपने दिमाग को ठंडा रखना है और मुंह से मीठी आवाज़ ही निकालनी है। तो सर टेम्परामेंट आपका ये टाइम पे बहुत हाई हो सकता है, लेकिन आप उसको कूल बनाए रखें। जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ हो तो सर कूल हो जाए तो काम करना आसान हो जाता है। तो विथ दिस नॉलेज, मतलब इस नॉलेज के साथ में, ये नॉलेज के साथ में आप ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पहले से ही सब कुछ चीज़ें प्रिपेयर होती हैं, आपको प्लानिंग समझा जाता है कि कैसे वगैरह काम करना है। एक चीज़ ध्यान रखिए, बिना आप टीम वर्क के इसको नहीं कर सकते। पार्किंग तो एक बार आप कर लेंगे क्योंकि वो एक या फिर दो लोग वहाँ पर लगते हैं, लेकिन ट्रैफिक जब करनी है तो आपको गेट वाले से, बैक गेट से, ये सारी चीज़ आपको कोऑर्डिनेट करनी है, सारे गार्ड से आपको समन्वय बना कर रखना है, ठीक है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो टीम वर्क है, और पार्किंग मैनेजमेंट वो है वो सोल वर्क है, एक व्यक्ति भी इसको कर सकता है, और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आपको टीम वर्क चाहिए होगा। ये दोनों में एक फ़र्क है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ डाउट वगैरह रह गया है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, कुछ छूट गया आपको ऐसा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको जल्दी से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और भैया बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर हिट करें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।